नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खंजर का घाव अभी भरा नहीं था कि दोबारा एक बार फिर से खंजर भोंक दिया गया मुकेश सहनी को, और अब मुकेश सहनी बोचहा पहुंच चुके हैं अपने प्रत्याशी के प्रचार में। आज नामांकन भी हो चुका है। मुकेश सहनी ने साफ शब्दों में भाजपा और तेजस्वी यादव तमाम दलों को नसीहत दे दी है कि बोचहा का जो चुनाव है वो तो हम ही जीतेंगे। साथ ही मुकेश सहनी लगातार बोचहा में चुनावी तैयारी कर रहे थे। ऐन मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके प्रत्याशी अमर पासवान को ले उड़े। उसके बाद मुकेश सहनी ने रमई राम की पुत्री को अपना प्रत्याशी बनाया है। देखिए मुकेश सहनी ने कैसे जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी बातों को रखा है। सिर्फ मेरा ही दायित्व नहीं है, आप सबका दायित्व है कि इस पार्टी को सम्मान को आगे बढ़ाना। आज 2014 से पहले बिहार में निषाद को कौन जानता था, कौन पहचानता था? सिर्फ निषाद को बोलता था उठो तो उठता था, अब बोलता था बैठो तो बैठते था, ये निषाद था। लेकिन आज निषाद किसी का जागीर नहीं है, निषाद तुम कोई माई का लाल नहीं है कि डरा सकता है कि तुम बैठो और तुम उठो। दुनिया का कोई ताकत नहीं है। मंत्री तो हम आज बने हैं, आप सबको पता है ये भूमि कौन है। जुब्बा सहनी जी का भूमि है, अमर शहीद जुब्बा सहनी का भूमि है, और इस भूमि पे हमने 2015 में देश को प्रधानमंत्री को बता दिया था कि हमारे हक अधिकार दो, नहीं तो हम आपके साथ नहीं है। ये देश में पहली बार देश के प्रधानमंत्री के सामने में अगर कोई रैली किया होगा तो निषाद का बेटा रैली किया और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ा। तो हम कभी झुके नहीं है और ना ही कभी झुकेंगे, सिर्फ अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमें किसी और का अधिकार नहीं चाहिए। लोग आज लड़ाई लड़ रहा है हम पे राज करने के लिए, और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। तो हमें पूरा भरोसा है कि जब हम हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो पूरा गरीब लोग हमारे साथ होंगे, अति पिछड़ा समाज के लोग होंगे। आज मेरी लड़ाई है कि बिहार में 35% अति पिछड़ा का संख्या है, लेकिन 18% आरक्षण मिल रहा है। आज मैं मांग कर दिया हूँ तो आज हमारे सहयोगी को पेट में दर्द हो रहा है कि इसको आरक्षण कैसे दे देंगे, आज इनके समाज के लोग कैसे मुखिया बन जाए, इसके समाज के लोग ज्यादा ज्यादा वार्ड कैसे बन जाए। अरे भैया ये हमारा हक अधिकार है। अभी आपने लिया ना 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण मिला, हमने किसी को रोका? आपने तो 8 लाख कमाने वाले लोगों को आरक्षण देने का निर्णय लिया, लेकिन हमने रोका नहीं। जब अगर ब्राह्मण भूमिहार हर अपर कास्ट को अगर 8 लाख कमाने वाले को अगर आरक्षण मिल सकता है तो क्या 3 लाख 4 लाख कमाने वाला, 1 लाख कमाने वाला, 2 लाख कमाने वाले को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? इस देश में जाति का जनगणना करा लीजिए, जिस जाति का जितना संख्या है उतना आरक्षण दे दीजिए। आप 12% रहने वाले लोग 10% आरक्षण ले रहे हैं, लेकिन हमारा दलित भाई 25% रहने के बाद उनको 15% मिल रहा आरक्षण। हम पिछड़ा ओबीसी में हम 35% वाले को 18% आरक्षण मिल रहा। तो ये हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई में तमाम यहाँ पे आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये लड़ाई में गरीब मल्ला का बेटा को आप लोग साथ दीजिए। और हमारे साथ तो रमे राम जी हैं, 9 बार विधायक बने हैं, और हम उस कुल खानदान से आते हैं जो हमारे पूर्वज। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।